हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ नवरात्रि स्पेशल साबूदाने की बर्फ़ी। यहाँ मैंने साबूदाने की बर्फ़ी बनाने के लिए लिया है एक बड़ी कटोरी से साबूदाना। अब इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक साफ कपड़ा लेंगे और इसको उस पर डाल देंगे इस तरीके से, और इसे हम थोड़ा थोड़ा इसे इस तरह से साफ कर लेंगे, जो भी इसमें दरदरापन होगा निकल जाएगा। मैंने यहाँ गैस पे एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए, और गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, पैन गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम साबूदाने को और इसे मीडियम लो फ्लेम पे हम भूनेंगे। हमें 10 या 12 मिनट तक इसे भूनना होगा मीडियम लो फ्लेम पे, और इसे हमें बस चलाते रहना है कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पतीला रख दिया है गैस पे, जिस पे हम डालेंगे, जिस कटोरी से मैंने साबूदाने को लिया था उसी कटोरी से हम दो कटोरी दूध लेंगे, फुल क्रीम दूध। ये मैंने दो कटोरी दूध ले, और गैस के फ्लेम को मैंने हाई कर दिया। हाई फ्लेम पे हमें दूध को गाढ़ा करना है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जिस कटोरी से दूध और साबूदाना लिया था उसी कटोरी से हम आधी कटोरी चीनी ले रहे हैं। चीनी को हम दूध में डाल देंगे और दूध के साथ में चीनी को भी पकाएंगे और गाढ़ा करेंगे। यहाँ दूध उबल रहा है, आप देख सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं साबूदाने का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, और इसे हम कंटिन्यू चला रहे हैं, और गैस का फ्लेम लो रखा है मैंने। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे 12 मिनट तक सेक लिया है, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इसे हम एक थाली में पलट लेंगे ठंडा होने के लिए। इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेते हैं 5-7 मिनट। फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्सी जार में डाल लिया है, अब इसका हम बहुत बारीक पाउडर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो मैंने बहुत ही बारीक पाउडर तैयार कर लिया साबूदाने का, इस तरीके का। अगर आप चाहो तो इसे छान भी सकते हो, बट मैं नहीं छान रही हूँ इसे, ये ऑलरेडी बहुत ही बारीक बना हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ गैस पे दूसरी कढ़ाई रख दिया है, अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून घी। मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है, घी को गर्म होने देते हैं। अब घी गर्म हो चुका है, इसमें डाल रहे हैं साबूदाना की पाउडर को जो मैंने बनाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना, नहीं तो ये जल जाएगा। और इसे हमें
जैसे मैंने फर्स्ट टाइम समुंदाने को कंटिन्यू चलाया था, इसे भी हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से कहीं जल ना जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने इसे भून लिया है। अब हम इसे कढ़ाई में ही फैला देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। यहाँ हम इसमें डाल रहे हैं अपने हिसाब से कुछ ड्राई फ्रूट, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और यहाँ हम ऐड कर रहे हैं 3-4 इलायची को मैंने दरदरा कूट लिया था, छोटी इलायची को। तो फ्रेंड्स आइए दूध को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ दूध और चीनी भी आप देख सकते हो पूरी तरह गाढ़ा हो चुका है। इसको अभी हम ऑफ कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे दूध को। और आप देख सकते हो मिक्सर किस तरह से बन चुका है और दूध और इसे हम गैस के लो फ्लेम पे चलाएंगे। और इसमें थोड़ा 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे घी, जिससे कि ये थोड़ा चिकना हो जाए और कढ़ाई से आसानी से निकल जाए। फ्रेंड्स मैंने एक मीडियम साइज का यहाँ ट्रे लिया हुआ है, जिसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है ऑलरेडी। अब इसमें हम मिक्सर को डालेंगे। मैंने इसे ट्रे में फैला लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, हमें बहुत पतला लेयर में इसे नहीं फैलाना है, बस ये जहाँ पे है उसको हम वहीं पे सेट कर देंगे। फ्रेंड्स मैंने इसे सेट कर लिया है। अब इस पर हम थोड़े से कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे गार्निश के लिए, कटा हुआ ड्राई फ्रूट है ये। और इसे हम हल्के हल्के दबा देंगे ताकि ये अंदर सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे 2.5 से 3 घंटे बाद। इसको थोड़े हम पंखे के पास रख देंगे, ये अच्छे से सेट हो जाए, ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स 2 घंटे हो चुके हैं, जो हमारा बर्फी है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हम नाइफ की मदद से अच्छे से कट कर लेंगे। आपको जिस तरह से पीसेस पसंद हो आप उस तरह तरीके से कट कर सकते हो, बड़ा छोटा जैसा भी आपको पसंद हो, बट मैंने बड़ा बड़ा पीसेस कट किया है। तो यहाँ मैंने इस तरह से पीसेस कट कर लिया है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं सर्व के लिए, ये बहुत आसानी से निकल जाता है। इस तरीके से यहाँ मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।